बहुत बड़े अफसर की माँ थी राम दुहाई। उसका बेटा पूरे 7,000 रुपये माहवार पगार पाता था। महीने के दिन जब वह सरसराते हरे नीले नोट बहू को सौंपता तो दूर बैठी राम दुहाई की बूढ़ी आंखें उन्हें देखने मात्र से ही तृप्त हो जाती थी। उसकी छाती दोगुनी हो जाती और सिर गर्व से आसमान छू लेता था। शुरू शुरू में दो एक बार गिरधारी ने पीपल के पत्तों जैसे बड़े बड़े नोट उसकी हथेली पर भी लाकर रखे थे और उसने भी लक्ष्मी माता को आदर के साथ अपने माथे से लगाकर पूरी की पूरी रकम पास खड़ी बहू की ओर तत्काल बढ़ा दी थी। लेकिन उसके बाद ये सिलसिला बंद हो गया। बहू को ये पसंद नहीं था। बहू ने गिरधारी से कहा, महीने की महीने ये एक क्या ड्रामा किया करते हो गुड्डू? अगर मुझ पर विश्वास नहीं है तो अलमारी की चाबी अपनी माँ के हवाले कर दो। रजनी, कभी कभी मामूली सी बात का पतंगड़ बनाकर बैठ जाती हो। बूढ़ी औरत है बेचारी, रकम माथे से लगा कर ही खुश हो जाती है। हर माँ बाप की ख्वाहिश होती है कि उनके बेटे अपनी कमाई की पहली रकम उनके हाथ में ला कर दे। गिरधारी ने माँ की भावना व्यक्त करते हुए पत्नी को समझाने का प्रयत्न किया, तो दिया करो, मैं कब मना करती हूँ। लेकिन रुपयों को पान सुपारी की तरह इसके उसके सामने फेरते रहना मुझे अच्छा नहीं लगता। गिरधारी चुप हो गया था, लेकिन राम दुहाई ने बहू के आहत अहंकार की पीड़ा स्पष्ट सुनी थी, इसलिए व्यर्थ के कलेश से घर को बचाने के लिए उसने इस क्षणिक खुशी की ओर से स्वयं ही मुंह फेर लिया। कई महीनों बाद आज शायद माँ के दूध ने फिर जोर मारा था। ये संयोग मात्र था कि गिरधारी पगार लेकर आया था और बहू घर पर ना थी। मार्त भक्त बेटा 10-10 के नोटों की 5 सील बंद नई गड्डियां माँ की झोली में डाल आशीर्वाद की आशा में उनके पास बैठ गया था। ऐन वक्त पर बहू आ गई और माँ ने अपनी चोरी पकड़े जाने या बेटे को चोरी सिखाने के अपराध बोध से गर्दन झुकाए पूरी रकम झोली पसार कर बहू की ओर बढ़ा दी। बहू ने एहसान सा जताते हुए रुपये लेकर अलमारी में पटके और उसे खुला ही छोड़कर रसोई में चली गई। रात भर का माहौल भारी भारी और खिंचा हुआ सा रहा। सुबह होते ही घर में हंगामा हो गया। गिरधारी कहे कि पूरी 5,000 है, मगर बहू एक ही बात पर अड़ी हुई थी कि 100 कम 5,000 है। रजनी, रुपए कैसे कम हो सकते हैं? मैं पूरे 5,000 संभाल कर लाया था, गिरधारी ने जोर देकर कहा। तुमने देखा नहीं, कल रात को मैं नोट खा रही थी तो सोई थी। अपनी माँ से क्यों नहीं पूछते? बहू ने काट खाने के अंदाज में उत्तर दिया। रजनी, तुम भी कमाल करती हो, माँ बेचारी रुपए लेकर कहाँ जाएगी? और फिर आश्चर्य की बात तो ये है कि बैंक की सील बंद नई गड्डी में से रुपए गायब कैसे हो सकते हैं? करने वाले कमाल ही करते हैं गुड्डू, हम तुम जैसे भोले इंसान तो सिर्फ आश्चर्य ही कर सकते हैं, बहू ने शब्दों को गोल गोल लपेटते हुए कहा। गिरधारी तो आंखें नीची कर अपने दफ्तर चला गया, लेकिन माँ दिन भर मन ही मन रोती रही, खुद से आंख मिलाने में भी उसे शर्म आ रही थी। दोपहर में बहू ने खाने की थाली उसकी चारपाई पर लाकर रख दी तो बात बढ़ जाने के भय से उसे मजबूरन थाली में रखी 2 रोटी खानी पड़ी, वरना इस घर का अब तक पानी तक पीने की इच्छा नहीं थी उसकी। इतना बड़ा कलंक, जिस बेटे को जवान करने में विधवा माँ ने अपनी जवानी होम कर दी, जिस बेटे की परवरिश के लिए उसने किसी के घर में धोना माजना किया तो किसी के घर में झाड़ू पोछा, और आज वही बड़ा अफसर बना बेटा अपनी माँ के माथे पर लगाए चोरी के झूठे इल्जाम को चुपचाप निगले गया। धिक्कार है, राम दुहाई की आत्मा चीख उठी। 3 दिन बीत गए थे। माँ को चुप चुप देखकर गिरधारी परेशान था। उसकी इच्छा होती थी कि माँ को समझाए, मगर किस बात के लिए? सच्चाई तो वो खुद भी जानता था, इसलिए माँ से कुछ भी कहने का उसका साहस ही नहीं होता था। एक आध बार उसने रात को दबी आवाज में रजनी से बात की, किंतु वो उसे कहाँ हाथ रखने देती। वो तुनक कर बोली, गुड्डू, तुम्हारी माँ मेरी माँ के समान है, मैं चाहती हूँ कि वो हंसी खुशी रहे, मगर हालात ही कुछ ऐसे हो गए हैं कि अब इनका यहाँ खुश रहना मुश्किल है।
अगर कुछ दिनों के लिए तुम इन्हें अपने गांव छोड़ जाओ तो थोड़ा हवा पानी भी बदल जाएगा और ये बात भी आई गई हो जाएगी। किसके पास छोड़ दूँ गांव में, कौन देखभाल करने वाला बैठा है वहाँ? मेरी परवरिश से बेचारी जिंदगी भर धूल फांकती रही और आज जब उसके अरमान से बैठकर खाने के दिन आए हैं तो तुम कहती हो कि उसे गांव में छोड़ाऊँ? गिरधानी ने रूखे स्वर में कहा। गुड्डू, तुम इतने बड़े ऑफिसर हो, दिन में हजारों लोगों से मिलते हो और सैकड़ों का फैसला करते हो, लेकिन कैसे करते हो मुझे तो सोचकर ही आश्चर्य होता है। एक मामूली सी बात तो तुम समझ नहीं सकते। मैंने ये तो नहीं कहा कि अपनी माँ को गांव में परमानेंटली छोड़ाओ। महीने दो महीने की बात है, अपने साथ की औरतों में रहेंगी तो मन की कड़वाहट दूर हो जाएगी। रजनी से समझाया, सप्ताह भर में ही सब तय हो गया। राम दुहाई तो इस बंधन से मुक्ति चाहती ही थी। उसके हाँ करने पर गिरधारी ने भी तैयारी कर ली। गांव में माँ बेटे का भरपूर स्वागत हुआ। वर्षों से बंद पड़े पुराने छप्पर की सफाई बुहारी की गई। अकेली बुढ़िया को एक चारपाई की जगह ही तो चाहिए थी, इसलिए आस पड़ोस की पोती नतिनों ने मिलकर गोबर मिट्टी से एक कमरे की लिपाई पुताई कर दी। सिल्वर के दो चार पुराने बर्तन घर में थे ही। शेष कमी गिरधारी ने बाजार से चीनी मिट्टी और कांच के गिलास तस्तरियां लाकर पूरी कर दी। पिछले पांडे की रामबाई काकी ने उनके आने का समाचार सुना तो लोटा भर चाय और खाली गिलास लेकर आ पहुंची। गिरधारी और उसकी माँ पहले ही लोगों से घिरे बैठे थे। क्यों रे गिरधारी, आज गांव की राह कैसे भूल गया? रामबाई काकी ने चाय का गिलास पकड़ाते हुए पूछा। ऐसी भी क्या बात है काकी, अपने गांव घर का रिश्ता कभी किसी से छूटता है? आज काकी की याद आई तो मिलने चले आए। गिरधारी ने शब्द जाल में आत्मीयता दर्शाई। हमारी देवरानी को भी साथ क्यों ना लेते आए देवर जी? हम भी देख लेते एक नज़र, सुना है बहुत खूबसूरत है, ढलती उम्र की एक महिला ने कहा। अब तुम किसी से गलत थोड़े ही सुनोगी भाभी, वो खूबसूरत है इसीलिए देखने वाले उसे खूबसूरत ही बताएंगे, गिरधारी ने उत्तर दिया। इसीलिए उसे साथ लेकर नहीं आए हैं कि गांव में कहीं धूल मिट्टी से मैली ना हो जाए, भाभी ने व्यंग किया। तुम तो खुद समझदार हो भाभी, ऐसी खूबसूरत घरवाली रोज रोज तो मिलती नहीं, ऐसी अनमोल चीज तो संभाल कर ही रखी जाएगी या नहीं? तब वो गांव में क्यों आने लगी? उसे तो देवर जी शीश महल में रखियो, सात पर्दों में। भाभी, तुम्हारी राय तो बिल्कुल खरी है, बड़े बाप की बेटी और बड़े अफसर की घरवाली को तो शीश महल में ही रखा जाना चाहिए। अगर राजमहल के अगल बगल में तुम थोड़ी सी जमीन ले दो तो शीश महल मैं बनवा दूंगा। बेटा गिरधारी, सुना है तू बड़ा अफसर हो गया है, कितनी पगार मिलती होगी तुझे? रामबाई काकी को जैसे असली बात याद आई। तुम्हारे आशीर्वाद से दाल रोटी लायक मिल ही जाती है काकी, वो गंभीर हो गया था। तो भी बेटा, 500, 700, 1000, वो बड़े अफसर का वजन तोलने लगी। कटा कटा कर बस यही कोई 3-4 हज़ार, काफ़ी कंजूसी करके बताया उसने। 3-4 हज़ार? देवरानी की खूबसूरती से जली भुनी भाभी ने आश्चर्य से कहा। ये कोई ज़्यादा है भाभी, शहरों के खर्च तुम जानती नहीं, इतने में तो दो वक्त की दाल रोटी पूरी हो जाए तो भगवान का शुक्र है, गिरधारी ने व्यवस्था दर्शाई। देवर जी, तो इसीलिए बुढ़िया माँ को गांव में छोड़ने आए हो? भाभी ने व्यंग किया। भाभी, दो घर होने से तो खर्च दोगुना हो जाएगा, मगर कई दिनों से माँ कुछ उदास सी है, इसीलिए मैंने सोचा कि तुम सबके साथ इनका जी भी बहल जाएगा और कुछ दिन हवा पानी भी बदल जाएगा। गिरधारी ने स्पष्टीकरण तो दिया पर भाभी का बैंक उसके आर पार हो गया था। तेरी भाभी ने तो बात तो खरी कही है गिरधारी, जिसका मन अपने बेटे पोतों से ना बहले वो दूसरों के बीच कैसे खुश रहेगी? बेटा, तू पढ़ा लिखा बड़ा अफसर है, हम गंवार तुझे क्या समझाएं? मगर बेटा, बेचारी राम दुहाई ने जिंदगी में बहुत दुख झेले हैं, कभी इसकी आत्मा मत दुखाना, रामबाई काकी ने भरे गले से कहा। माँ के अलावा दुनिया में मेरा और कौन है काकी? मैं जानता हूँ मेरे लिए माँ ने कितने कष्ट उठाए हैं, मैं भी माँ की सेवा
मैं कोई कमी नहीं छोड़ूंगा, गिरधारी ने उत्तर दिया और प्रसंग बदलकर खेती बाड़ी की बातें करने लगा। फिर इधर उधर की बातें हुई और धीरे धीरे सब चले गए। गिरधारी भी जाने को तैयार हुआ। उसने माँ को आते जाते रहने का आश्वासन दिया और अपनी सेहत का ध्यान रखने के लिए 100 का नोट थमाकर विदा ली। माँ ने भी बेटे को हिदायत दी कि वो उसकी नादान बहू और मासूम पोती का ध्यान रखे। बहू से कहे कि छोटे बच्चे के लिए माँ के दूध के साथ मथा हुआ केला और दाल चावल का उबला हुआ पानी गुड़गारी होता है, संतरे से बच्चे का रंग निखर जाता है। गिनती के पूरे 100 रुपए देकर गया था गिरधारी और माँ को 100 रुपए में पूरी गृहस्थी जमानी थी, लेकिन खूब खींचतान करके भी वो दूध के लिए केवल 10 रुपए ही बचा पाई थी। अभी रोज की दाल भाजी बाकी थी, लेकिन दाल सब्जी की रोज कहाँ जरूरत है। वो सोचने लगी, सुबह चाय तो वो बनाएगी ही, उसी के साथ 2 रोटी भी खा लेगी, कभी हुआ तो पाव आधा पाव सब्जी खरीद कर बना ली, नहीं तो नमक मिर्च के साथ ही काम चला लिया। अगले महीने की 10 तारीख को डाकिया मनी ऑर्डर लेकर आया और उसका अंगूठा लगवाकर 100 रुपये दे गया। सुबह के वक्त एक पाव दूध लेने में ही 45 रुपये की उधार चढ़ गई थी। दाल सब्जी की कौन चलाए, यहाँ तो सूखे आटे के लाले पड़े थे। दूध वाला रोज पूछ लेता था, दादी मनी ऑर्डर आया कि नहीं, आज कल में आ जाएगा बेटा, और नहीं भी आया तो क्या, अपनी दादी को ही तो दूध पिलाया है तूने, वह अस्पष्ट सा उत्तर देकर उसे टालती। मनी ऑर्डर आते ही उसने सबसे पहले दूध वाले का ही हिसाब चुकता किया। 40 दिन के 60 रुपये को हो गए थे, आगे के लिए उसने दूध लेना बंद कर दिया। बाकी बचे 20 रुपये में उसने 2 किलो आटा और थोड़ा थोड़ा नमक मिर्च लिया, डिबरी में 1 रुपये का तेल डलवाया और अपने घर आ गई। वो संध्या समय एक बार दीपक जलाती और दूसरे ही क्षण उसे बुझाकर अंधेरे में बैठी भगवान के भजन करती रहती। शुरू शुरू में कुछ बूढ़ी बडेरी औरतें और नातिन पोतियां उसके पास आकर बैठ जाती थीं, किंतु धीरे धीरे बड़े अफसर की माँ की भोली मुस्कान के पीछे छिपी वास्तविकता स्पष्ट होने लगी थी, मगर राम दुहाई ने अपने चेहरे पर कभी सिकन नहीं आने दी। अंधेरे का हिस्सा बनी वो अपने छप्पर में बैठी चिंता में डूबी थी। माई भूखे लाचार को 1 रोटी दे दे, भगवान तेरे बेटे की उम्र लंबी करे, उसे बड़ा अफसर बनाए। राम दुहाई जैसे गहरे कुएं से उभरी, इस मोल बेटे की लंबी उम्र और तरक्की बहुत सस्ती थी। उसने कपड़े में लपेट कर रखी 1 रोटी का आधा टुकड़ा मांगने वाले को दे दिया। वह रोटी देकर लौटी तो उसके घर का पहरेदार झबरू कुत्ता उसके सामने आकर बैठ गया। राम दुहाई ने आधी में से आधी रोटी झबरू के सामने डाल दी और स्वयं 1/4 टुकड़ा छाछ के साथ खाकर उठ गई। 2 दिन से राम दुहाई के घर में चूल्हा नहीं जला था, खाली पेट चारपाई पर लेटी वो बड़े अफसर की माँ होने की यातना से जूझ रही थी। कितनी ही बार उसने मजदूरी पर जाने का भी विचार किया, लेकिन बड़े अफसर की माँ होने की मर्यादा उसके पैरों में आ लिपटती और वो पानी पीकर चुप बैठ जाती। 2 दिन से खाली पेट राम दुहाई डाकिए के इंतजार में अपने छप्पर और गली के चक्कर लगा रही थी। चिलचिलाती धूप में गली दूर तक सुनसान पड़ी थी। एकाएक आंगन में एक तरफ बैठे झबरू पर उसकी नजर पड़ी। कुत्ता ना जाने कहां से 1 रोटी उठा लाया था और सूने आंगन में बैठा आराम से रोटी खा रहा था। राम दुहाई दबे पांव चूल्हे के पास आई और लकड़ी उठाकर कुत्ते पर झपटी। अचानक हुए हमले से घबराकर कुत्ता रोटी छोड़कर भागा, मगर लाख कोशिश के बावजूद भी वो रोटी उठाने का साहस ना कर सकी। उसके बड़े अफसर बेटे की इज्जत रोटी पर मोटी परत बनकर छा गई थी। उसके मुंह से हिचकी और आंखों से आंसू फूट पड़े। वो निढाल सी अपनी चारपाई पर बैठ गई। उसकी एक नज़र सामने पड़ी रोटी पर और दूसरी डाकिए के इंतजार में दरवाजे पर लगी थी। राम दुहाई अपने छप्पर में आकर बैठ गई। उसकी आंखों में गंगा यमुना समाई हुई थी, किंतु दूर खड़े झबरू की आंखें चूल्हे के पास आंगन में पड़ी रोटी पर जमी थी। राम दुहाई चारपाई पर निराश हताश सी बैठी कभी झबरू को और कभी दूर पड़ी रोटी को देख रही थी।
उसकी इच्छा हो रही थी कि वो गले में फंदा डालकर छप्पर में ऊपर लगी बल्ली से झूल जाए, किंतु बड़े अफसर बेटे की मर्यादा उसे ना मरने दे रही थी और ना ही जीने। वो सिर्फ चुपचाप बैठी रहने पर विवश हो गई थी। उसने रोटी की ओर से ध्यान हटाकर घड़े से एक गिलास पानी भरकर पीना चाहा, किंतु दो दिनों से खाली पेट में पानी नीचे उतरने की बजाय गले में ही अटक गया और उसका दम घुटने लगा। बहुत देर तक हाथ पैर छटपटाने और सीने को सहलाने के बाद उसे सांस आया तो वह निढाल होकर चारपाई पर पड़ गई। थोड़ी देर में ही उसकी अतड़ियाँ फिर कुलबुलाने लगी तो उसने उठकर आटे की हंडिया उठाकर देखी। कुछ आटा हंडिया में इधर उधर चिपका हुआ था। उसने हंडिया सिल्वर की थाली में झाड़ने का विचार किया किंतु उसके हाथ जहाँ के तहाँ रुक गए और उसने झटपट गिलास का सारा पानी हंडिया में पलटकर उसे जोर जोर से हिलाया। पानी का रंग हल्का सफ़ेद मटमैला सा हो गया। उसने कपकपाते हाथों से हंडिया उठाई और थरथराते होठों से लगाकर पल भर में ही सारा पानी अपने पेट में उड़ेल लिया। काफ़ी देर वह वैसी ही बैठी रही। कुछ देर बाद उसकी सांस से सांस जुड़ी तो उसने उठकर बाहर झांका। झबरू रोटी उठाकर जा चुका था। उसने राहत की सांस ली और विचारों में डूब गई। वो सोचने लगी, उसने तो कभी किसी का बुरा भी नहीं किया है, फिर भगवान उसे ऐसी सजा क्यों दे रहा है कि वो कुत्ते के मुंह से रोटी छीनकर खाने पर विवश हो गई। हे भगवान, अभी आगे कैसे दिन दिखाने वाला है। 2 महीने से मनी ऑर्डर नहीं आया और उधार में भी कुछ मिलना बंद हो गया था। वो कल की चिंता से विचारों में डूब गई। बाहर से आवाज आई, दादी, ओ बूढ़ी अम्मा, बाहर आओ, तुम्हारा मनी ऑर्डर है। राम दुहाई उठकर बाहर आई और सामने खड़े डाकिये को देखकर बोली, भैया, इस बार तो बहुत दिनों बाद मनी ऑर्डर लेकर आए हैं, मैं तो दाने दाने को मोहताज हो गई। अम्मा, मैं क्या अपने घर से मनी ऑर्डर लेकर आता, कोई उधर से भेजेगा तभी ना मैं ला सकता हूँ। हाँ भैया, बात तो तुम्हारी सच है, तुम अपने घर से थोड़ी ही कुछ लेकर जाओगे, ये तो भेजने वालों की नियत पर ही है। दादी, पहले 5 रुपए दो, तभी मनी ऑर्डर मिल पाएगा। इस बार बैरंग मनी ऑर्डर आया है। बैरंग मतलब? बैरंग मतलब मनी ऑर्डर भेजने वाले ने वहाँ सरकार की फीस जमा नहीं की। जैसे कुछ लोग कोई भी कागज पर खत पाने वाले का नाम पता लिखकर डाक में डाल देते हैं तो खत पाने वाले को उसका सरकारी खर्च चुकाना पड़ता है, इसी तरह बैरंग मनी ऑर्डर का खर्चा भी पाने वाले को भरना पड़ता है। लेकिन भैया, पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ, इसीलिए तो मनी ऑर्डर इतने दिनों बाद पहुँचा है। अब जल्दी से 5 रुपए दो और मनी ऑर्डर लेकर खुश हो जाओ। भैया, मेरे पास 5 रुपए कहाँ, यहाँ तो फूटी कौड़ी भी नहीं है। तो दादी, बिना सरकारी फीस जमा किए मैं भी मनी ऑर्डर कैसे दे सकता हूँ, तुम किसी से लेकर दे दो। मैं किससे मांगने जाऊँ बेटा, यहाँ रुपए देने वाला कौन है, तुम ही 5 रुपए काट कर बाकी मुझे दे दो। मैं सरकारी आदमी हूँ, मेरे पास पैसे कहाँ से आए अम्मा, महीने में पगार मिलती है तो 4 पैसे हाथ में आते हैं। कितने दिनों से बच्चे नमक के साथ रोटी खाकर दिन निकाल रहे हैं। अच्छा, उसने निराश स्वर में कहा और लंबी सांस छोड़ते हुए फिर बोली, तुम यहाँ बैठो, पानी पियो, मैं लाला की दुकान से खुले लेकर आती हूँ, लाओ 100 का नोट मुझे दे दो। पहले तुम 5 रुपए लेकर आओ, तभी मैं मनी ऑर्डर के पैसे दे सकूँगा। ऐसे कौन देगा बेटा, यहाँ किसी को किसी पर भरोसा कहाँ है। अच्छा, तो ये होगा कि तुम मेरे साथ ही चलो और वहीं खुले लेकर बाकी मुझे दे देना। ये क्या बात हुई दादी, मुझे और भी बहुत से काम है, सरकार ने मनी ऑर्डर पहुँचाने का काम मुझे सौंपा है, ये तो नहीं कहा है कि मैं साथ साथ भी घूमता फिरूं। तो बेटा, तुम ही कोई रास्ता बताओ, लाला भी मुझे पैसे क्यों देगा, वो तो बिना पैसे लिए एक मुट्ठी नमक तक नहीं देता, 5 रुपए कैसे देगा। ठीक है, चलो, इतना टाइम तो नहीं है, मगर तुम्हारे लिए बेगार भी करूँगा, उसने एहसास जताते हुए दुखी स्वर में कहा और उसके साथ चलने को तैयार हो गया। राम दुहाई ने छप्पर का दरवाज़ा बंद किया और उसके साथ लाला की दुकान की ओर चली।
वो भी अपनी साइकिल घसीटते हुए उसके साथ चला। वो चल तो आगे रहा था किंतु ना जाने क्या सोचकर उसके पांव पीछे ही पड़ रहे थे। दोपहरी में लाला दीवार के सहारे कोहनी लगाकर अलसाया सा बैठा ऊँग रहा था। राम दुहाई को अनजान डाकिये के साथ आया देखकर वो थोड़ा सीधा बैठ गया और प्रश्नवाचक मुद्रा में उसे देखने लगा। लाला जी, 100 रुपये के खुल्ले दे दो। हाँ हाँ, 100 क्या, 1000 का खुल्ला ले लो। कहाँ है 100 का नोट? ये लो। साथ खड़े व्यक्ति ने जेब से 100 का नोट निकालकर लाला को दिया और दूसरे ही क्षण बोला, मैं थोड़ा जल्दी में हूँ, पहले मुझे 5 रुपये दे दो, बाकी इसे बाद में देते रहना। ऐसी भी क्या जल्दी है भाई, मुझे नोट तो देखने दो, लाला ने संदेह व्यक्त करते हुए कहा और नोट को ऊपर नीचे बहुत ही ध्यान से देखने लगा। खूब आश्वस्त होने के पश्चात उसने व्यक्ति तथा राम दुहाई दोनों को बारी बारी से देखा और लकड़ी के गल्ले में से 5 का नोट निकाल कर उसे दे दिया। व्यक्ति ने 5 का नोट जेब में डालकर अपने थैले में से मनी ऑर्डर फॉर्म तथा इंक पैड निकालकर राम दुहाई का अंगूठा लगवाया और लाला के सामने गवाही के लिए फॉर्म आगे बढ़ा दिया। लाला ने मनी ऑर्डर की रकम देखकर फॉर्म पर गवाही के अपने दस्तखत कर दिए। व्यक्ति सचमुच ही बहुत जल्दी में था। उसने झटपट मनी ऑर्डर फॉर्म और इंक पैड लेकर अपने थैले में डाला और तुरंत साइकिल पर सवार होकर वहां से चला गया। उसके जाने के बाद लाला ने धूप में गुमसुम खड़ी राम दुहाई को एक बार फिर ऊपर से नीचे तक देखकर पूछा, राम दुहाई, तुम्हें भी कुछ लेना है? हाँ लाला जी, थोड़ा आटा दाल मिल जाता तो। हाँ हाँ, क्यों नहीं, आटा दाल ही क्यों, मिर्च मसाला और घी चीनी सब लेकर जाओ। बेटे ने मनी ऑर्डर भेजा है, हलवा पूरी बनाओ। कहाँ का हलवा पूरी लाला जी, दाल रोटी ही मिल जाए तो भगवान का शुक्र है। आप शेर भर आटा दे दो, बड़ी मेहरबानी होगी। जैसी तुम्हारी मर्जी, उसने कहा और पास रखी बोरी में से आटा निकाल कर तौला और कागज की थैली में डालकर अपने पास रख लिया। फिर टीन के डिब्बे में से दाल निकाली और एक पुड़िया बनाकर आटे के पास रख ली। वो घी तेल के लिए उसकी ओर देखने लगा मगर उसे खाली हाथ देखकर पूछा, घी के लिए बर्तन नहीं लाई? घी की दरकार नहीं लाला जी, आटा दाल ही बहुत है। तुम्हारी मर्जी, 5 रुपये का आटा और दाल के 2 रुपये, 7 और पिछले 22 रुपये, ये हो गए 27 और 5 रुपये खुले लिए कुल मिलाकर हो गए 32 रुपये। पहले तो शेर भर ही आटा लिया था लाला जी, उसके 22 रुपये। लेने वाले को याद रहे ना रहे, लेकिन देने वाले को सब याद रहता है। तुम 2 बार आटा लेकर गई थी, दाल और मिर्च मसाला अलग। दूसरी बार दिया कहाँ था लाला जी, मैं तेल डलवाने के लिए ढिबरी लेकर आई थी, तुमने तेल के लिए भी मना कर दिया था। उस दिन से आज तक मैं अंधेरे में ही बैठी हूँ। अच्छा किया तुमने याद दिलवा दिया, मैं तो एक बोतल घास लेट के पैसे भूल ही गया था। 32 और 5 35, और मेरे बेटे दुली चंद ने दूध के 17.5 रुपये भी दुकान के खाते में लिखवा रखे हैं। तुमने अभी तक दूध के पैसे भी कहाँ दिए, कुल मिलाकर 55 रुपये हो गए हैं। और हाँ, उसकी टाल से पिछले महीने 5 रुपये की लकड़ियाँ भी लेकर आई थी। 60 रुपये की उधार लेकर तुम तो आराम से बैठ गई, लेकिन यहाँ 2-2 रुपयों के हिसाब के लिए घर में कलेश हो रहा है, इसीलिए दुखी होकर हमने उधार खाता ही बंद कर दिया। कोई क्या क्या याद रखे, देने वाले तो सामान लेकर भूल जाते हैं। लाला जी, गांव में लकड़ी मोल लाने की ज़रूरत किसे है? मैं कभी किसी के खेत में जाती हूँ तो चूल्हा जलाने के लिए लकड़ी बीन लेती हूँ। वैसे मेरे घर में आग जलती ही कितनी है। देखो राम दुहाई, हम कोई बड़े व्यापारी नहीं हैं, अपना पेट तन काट कर और बाजार में पहले रोकड़ा देकर सामान लाते हैं। 2 पैसे के लोभ में दिन रात भागे फिरते हैं और लोगों को घर बैठे उनकी ज़रूरत का सामान ला कर देते हैं। घर में दूध दही सब है, लेकिन हम अपने बच्चों को ना देकर लोगों की ज़रूरत पूरी करते हैं। हमने तुम्हारी उम्र देखकर तुम्हें सामान उधार दे दिया तो कौन सा जुर्म कर दिया? तुमने एक गाड़ी नरमे की सूखी सटियां घर में नहीं डलवाई थी। खा जाओ बेटे की कसम,
और दुकान से सामान लेकर नहीं खाया? वह सब भूल गई? मैं कुछ नहीं भूली लाला जी, मुझे सब याद है, लेकिन जितना आप बता रहे हैं मैंने उतना सामान ही नहीं लिया। आप बहुत ज़्यादा बता रहे हैं, लेकिन 5 रुपए के लिए बेटे की कसम खाऊं, ये नहीं होगा। मनी ऑर्डर लाने वाले को तुमने खुशी खुशी 5 रुपए इनाम दे दिया, हमारा आटा तेल लकड़ी और 2 महीने का इंतज़ार सब भूल गई। मैं किसी को क्या इनाम दूंगी? वो तो मनी ऑर्डर की फीस के पैसे थे जो गिरधारी ने वहाँ जमा नहीं किए थे। इस बार उसने बैरंग मनी ऑर्डर भेजा था, राम दुहाई ने स्पष्टीकरण दिया। क्या, बैरंग मनी ऑर्डर? हाँ लाला जी, उसने बताया कि गिरधारी ने वहाँ फीस जमा नहीं करवाई थी, इसलिए सरकारी फीस मुझसे वसूल की गई है। आपने भी तो मनी ऑर्डर देखा था और उसे 5 रुपए भी दिए थे। मनी ऑर्डर भी बैरंग होता है? ये तो पहली बार सुना है। ये रोज का डाकिया तो नहीं था? हाँ था तो कोई दूसरा ही, मगर मनी ऑर्डर देकर गया है, इसीलिए था तो डाकिया ही। हाँ था तो डाकिया ही, मगर लगता है वो तुम्हें बावला बना गया। राम दुहाई, बैरंग चिट्ठी तो सुनी थी, मगर बैरंग मनी ऑर्डर मैंने तो आज तक नहीं सुना है। भूखा आदमी तो बावला ही होता है, उसे भले बुरे का ध्यान कहाँ रहता है, वो तो जानवर के जैसा ही होता है। उसकी आंखों के सामने वह दृश्य उभर आया था जब रोटी के लिए वो लकड़ी के लेकर झबरू पर झपटी थी, लेकिन उसे ये भी समझ आ रहा था कि अब लाला उसे बावला बनाने का प्रयास कर रहा है। उसने रूखे स्वर में कहा, भूखे आदमी को कोई भी बावला बना सकता है लाला जी, उसे तो जिधर भी इच्छा हो उधर ही हाँक दो, ऊंची आवाज में जोर से डांट दो, उसे थोड़ा सा हड़का दो, 2 डंडे मार दो, वो तो किधर भी मुड़ जाएगा। राम दुहाई, मैं तुम्हारा दर्द समझता हूँ, लेकिन जब औलाद ही नालायक निकल जाए तो किसी का क्या जोर। तेरा बेटा बड़ा अफसर है, लेकिन तुझे 2 वक्त की रोटी नहीं दे सकता। ऐसी नालायक औलाद का होना ना होना एक बराबर ही, तू भी सब्र करने की। तेरा बेटा नहीं लाला जी, मेरा बेटा नालायक नहीं है, वो तो लाखों में एक है। जरूर उसकी कुछ मजबूरी रही होगी, वरना वो तो मेरे बिना एक पल नहीं रह सकता। उसकी शुष्क आंखों में आंसू उमड़ आए थे। मैंने उसे जिन दुखों से पाला है वो कभी नहीं भूल सकता, राम दुहाई ने कहा। तभी तो 2 महीने तक मनी ऑर्डर नहीं भेजा, और आज भेजा तो वो भी बैरंग। ऐसा ही लायक होता तो अपने पास ना रखता। तेरी 2 वक्त की रोटी और 2 जोड़ी कपड़े उसे इतने भारी पड़ रहे कि वो तुझे इस वक्त बुढ़ापे में बेसहारा अकेली छोड़कर चला गया। गांव के लड़के चाहे अनपढ़ हैं, मेहनत मजदूरी करते हैं, लेकिन अपने बूढ़े माँ बाप के पास तो हैं। बड़े अफसर होने से तो ये अनपढ़ गंवार ही भले हैं, जो दुख सुख में सब साथ हैं। क्या कहूँ लाला जी, मेरी किस्मत ही खोटी है, वरना मेरा गिरधारी तो ऐसा नहीं है। शायद मुझ में ही कोई कमी होगी, जब से ब्याह कर आई हूँ ऐसी ही जिंदगी बिताई है, खुद मेहनत मजदूरी करके अपना पेट पाला, और आज भी मैं अपने लायक तो कमा ही सकती हूँ। आटा दे दो तो मैं जाऊँ। तेरी मर्जी, बाकी पैसे जमा कर लूँ, तुम कहाँ संभालती फिरोगी, उसने आटा दाल पकड़ाते हुए कहा। नहीं लाला जी, पैसे मुझे ही दे ही दो, ऐसी कौन सी बड़ी रकम है जो मैं संभाल नहीं पाऊंगी। जैसी तुम्हारी मर्जी, मैंने तो इस विचार से कहा था कि जब तुम्हें सब सामान यहाँ से ही लेना है तो मैं तुम्हारे खाते में लिख कर रखता, और जब तुम्हें ज़रूरत होती तो सामान ले जाती। बात तो आपकी सही है, सामान तो मैं आपसे ही लेकर जाती हूँ, लेकिन फिर भी हाथ में पैसे हो तो ज़रूरत के हिसाब से सामान लिया जा सकता है, और रात बिरात हारी बीमारी में पैसे की ज़रूरत पड़ जाए तो हाथ में पैसे होने से किसी को तकलीफ नहीं देनी पड़ेगी। ठीक है, बाकी 40 रुपये शाम को ले जाना, नहीं तो उधर से निकलते वक्त मैं देता आऊँगा, अभी खुले रुपये नहीं आए हैं। कल दुलीचंद दूध देने जाएगा तो वो पहुँचा देगा। लेकिन लाला जी, मुझे दूध की ज़रूरत नहीं है। कैसी बात करती है राम दुहाई, अगर इस वक्त दूध भी घी नहीं खाएगी तो बुढ़ापा कैसे निकलेगा। अब और कौन से बुढ़ापे की इंतजार करूं लाला जी, यही रूखी सूखी खाकर निकल जाए तो भगवान का शुक्र है, दूध लेने की मेरी गुंजाइश नहीं है, आप मेहरबानी करो। ठीक है,
अभी 5 रुपए लेकर जाओ, बाकी शाम को लाकर देता हूँ, लाला ने कहा और उठकर दुकान के पीछे के रास्ते से घर में जाने लगा। लाला जी, अब क्या और शाम क्या, आपको रुपए देने हैं तो अभी दे दो, हमने 2 महीने तक इंतजार किया और तुम्हें शाम तक का सब्र नहीं। भरोसा रखो राम दुहाई, मैं दुकान खोल कर बैठा हूँ, गांव छोड़कर नहीं भागूंगा, उसने कहा और अंदर चला गया। राम दुहाई शेर भर आटा छाती से लगाकर खिड़की में से अंदर चले गए लाला को निष्प्राण सी देखती रह गई। दोपहर का सूर्य अपने प्रचंड रूप में तप रहा था, जिसके ताप से दूर दूर तक का मैदान अग्नि तरंगों से कपकपाता सा प्रतीत हो रहा था। हताश निराश राम दुहाई डगमगाते शरीर से अपने घर की ओर चल पड़ी। लाला भोलूचंद ने राम दुहाई के नाम आए बैरंग मनी ऑर्डर के 95 रुपए के हिसाब को 1.5 महीने तक खींचकर ऐसा समेटा कि बूढ़ी राम दुहाई एक दिन भी पूरी रोटी ना खा सकी। झबरू का हिस्सा भी सिमट कर चौथाई रोटी तक ही रह गया था, लेकिन वो मोहल्ले भर में भटकने के बाद आखिर राम दुहाई दादी के आंगन में ही आकर बैठता और डाकिये के इंतजार में गली के आखिरी छोर तक देखता रहता, लेकिन डाकिया न आना था और न वो आया। आज 1.5 महीने बाद राम दुहाई एक बार फिर लाला की दुकान पर पहुंची। लाला ने बिना काम की व्यस्तता दिखाते हुए और मिर्च की खाली बोरी झाड़ने के बाद उसे उपेक्षा पूर्वक देखा। कुछ देर बाद उसने पूछा, क्या हुआ राम दुहाई, तेरी तबीयत तो ठीक है? हाँ लाला जी, लेकिन तबीयत की क्या कहूँ, ये बैरी शरीर पीछा ही नहीं छोड़ता, कितना ही जतन कर लूँ प्राण निकलने का नाम ही नहीं लेते। आटा खत्म हो जाता है लेकिन ये दुश्मन फिर भूख भूख चिल्लाने लगता है, एक सेर आटा दे दो तो मेहरबानी होगी। लेकिन तुम अभी तो आटा दाल लेकर गई थी, क्या सारा खत्म हो गया? अभी कब लाला जी, 1.5 महीने पहले शेर भर आटा लिया था, उससे पहले भी एक शेर ही तो आटा दिया था आपने, राम दुहाई ने याद दिलवाया। मतलब कि तुम 1.5 महीने में 2 शेर आटा खा गई, इस उम्र में तुम्हें अपना थोड़ा ध्यान रखना चाहिए राम दुहाई, लाला ने आश्चर्य व्यक्त करते हुए उसे नसीहत दी। क्या करूं लाला जी, छटांग भर आटे से दिन निकालने पर भी आटा खत्म हो जाता है, उसमें चौथाई टुकड़ा बेचारा झबरू भी खा लेता है, खुद के पेट का कुछ ठिकाना नहीं, लेकिन तू दान पुण्य दया धर्म का पल्ला नहीं छोड़ेगी? अब कौन से परलोक की पाल बांध रही है राम दुहाई, तेरा लोक प्रलोक तेरे सामने आ तो गया है, तेरे बेटे गिरधारी ने मनी ऑर्डर भेजा कि नहीं? नहीं, अब तक तो नहीं भेजा, शायद आज कल में आ जाए। आप बाकी बचे हिसाब में शेर भर आटा दे दो, आपकी मेहरबानी होगी, तब तक मैं काम चला लूंगी। हिसाब में अब क्या बचा है राम दुहाई, 40 रुपए में से तुम 25 रुपए का सामान ले चुकी हो, तेरी वजह से मेरा 3 शेर दूध खराब हो गया, बुली चंद तेरे लिए पाव दूध रोज लेकर जाता था। राम कसम लाला जी, उसके बाद मैंने कभी दूध लिया ही नहीं, मैंने कब कहा कि तूने दूध लिया, लेकिन तेरे कारण मेरा तो पाव भर दूध का हर्जाना हुआ ना, पाव आधा पाव दूध तो गाय पोसाते वक्त बछिया बछड़ा भी पी जाते हैं लाला जी, बछिया ऐसे कैसे दूध पी जाएगी, मैं उसके मुंह पर मोहरी लगा कर रखता हूँ, और गाय के शेर सवा शेर दूध में बरकत भी कहाँ होती है, ना बच्चों के मुंह में पड़े और ना रोज के बंधी वालों को दूध पहुँचे। मैंने 1500 खर्च करके भैंस खरीदी, तभी किसी के घर में दूध पहुँचा पाया हूँ, लेकिन लाला जी मैंने छटाक भर भी दूध लिया हो तो मुझे भगवान की कसम। हाँ वही तो बता रहा हूँ, तूने तो दूध नहीं लिया, लेकिन तेरे लिए एक पाव दूध रोज मेरे घर से तो निकलता था, लड़का उसे लिए लिए फिरता और जब वह सबका दूध पहुँचाकर फारिंग होता तब तक दोपहर हो जाती। 3 महीने से कितनी गर्मी पड़ रही है तू खुद बता, गर्मी से दूध खराब होगा कि नहीं? मेरा 3 शेर दूध बर्बाद हो गया, लेकिन तेरी हालत देखकर मैंने फिर भी अपने मन को समझाया और भगवान की इच्छा मानकर अपना नुकसान भूल गया, तेरा हिसाब बराबर हुआ, लेकिन तू फिर तकाजा करने आ गई। लाला जी मैं तो 1.5 महीने में सिर्फ 2 बार ही आटा लेकर गई थी, उसके 25 रुपए कैसे हो गए, राम दुहाई ने दुखी स्वर में कहा। एक बार मनी ऑर्डर के पैसे लेने आई, तब फिर 2 बार आटा दाल लेकर गई, 5 रुपए का आटा और 2 रुपए की दाल, 7-7 14 और
721 रुपए। एक बार तू मटर और दूसरी बार गोभी ले गई थी। 2 और 2 = 21, 25 हुए कि नहीं? लाला जी, आप खुद दो वक्त के आटा दाल का हिसाब बता रहे हैं, फिर तीसरी बार कैसे जुड़ गया? और दाल तो आपने पहली बार ही दी थी, तीसरी बार तो मैं अब आई हूँ। वही तो तीसरी बार के हिसाब में जोड़ा है। राम दुहाई, मैं गांव में दुकान खोल कर बैठा हूँ, ऐसे बेईमानी करने लगा तो कौन मेरी दुकान पर आएगा? लेकिन लाला जी, गोभी मटर आलू प्याज टमाटर तो मैंने साल भर से कभी सपने में भी नहीं देखे, खाने की तो बात ही दूर है। आप कहीं चूक कर रहे हैं, मैं तो बिना नमक की रोटी खाकर दिन काट रही हूँ, उसने दर्द भरे स्वर में कहा। अरे राम, राम दुहाई है राम जी, उसने कानों को हाथ लगाया और क्षण भर बाद फिर बोला, चलो तेरी बात मान लूं कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, लेकिन वही खाता तो झूठ नहीं बोल रहा है। तू खुद देख ले इसमें गोभी और मटर लिखा है कि नहीं, मुझ पर यकीन नहीं तो किसी पढ़े लिखे से पढ़वा कर देख ले, मैं भी बाल बच्चेदार आदमी हूँ, आस औलाद मेरे भी है, मैं 2-4 पैसे के लिए अपना ईमान क्यों बिगाड़ूंगा? आखिर मुझे भी भगवान को जान देनी है, तू बता तुझे क्या चाहिए? अब मुझे कुछ नहीं चाहिए लाला जी, आपके हिसाब में बाकी बचे मेरे 15 रुपए मुझे दे दो, आपकी बड़ी मेहरबानी है। क्यों, कहीं किसी दूसरी दुकान से सौदा लेने का इरादा है? नहीं लाला जी, मुझे अब किसी से कुछ नहीं लेना है, सोचती हूँ आटे से तो पेट नहीं भरता, अब रुपए खाकर ही पेट भर कर देखती हूँ, शायद उसके बाद फिर कभी भूख लगे ही नहीं। राम दुहाई, लगता है तो पैसे के लोभ में पकला गई है, कभी किसी को रुपए खाते भी देखा है? खाने के काम तो अनाज ही आता है, बड़े बड़े लखपति करोड़पति भी अनाज ही खाते हैं। रुपया पैसा धन दौलत हीरे जवाहरात तो सिर्फ ऊपरी चमक दमक है, धन दौलत तो मरते वक्त किसी के साथ भी नहीं जाती, सब कुछ यहीं पड़ा रह जाता है। सच कहते हो लाला जी, आपने बहुत ही गहरी बात कही है, लेकिन मैं रुपए खाकर ही मरना चाहती हूँ, आप मेरा हिसाब कर दो। ठीक है राम दुआई, अगर तेरी यही इच्छा है तो ये ले 5 रुपए, बाकी 10 रुपए खुले आने पर मैं तेरे घर पहुंचा लूंगा, नहीं तो शाम तक दुलीचंद के हाथ भिजवा दूंगा, लाला ने 5 का नोट देते हुए कहा। आपकी बड़ी मेहरबानी लाला जी, भगवान आपके परिवार को हंसता खेलता और सुखी रखे, उसने आंसू छुपाते हुए कहा और 5 रुपए का नोट लेकर अपने घर आ गई। आस पड़ोस और मोहल्ले में राम दुहाई के दर्जनों देवर जेठ भतीजे भतीजियां और नाती पोते थे, लेकिन किसी ने आकर नहीं पूछा कि वो कैसी है, उसे किसी चीज की जरूरत है क्या? केवल आंगन में बैठा झबरू उसकी छटपटाहट और बेबसी देखकर रोता रहा। जब राम दुहाई को ही एक समय की सूखी रोटी मैसर नहीं थी तो उसे कहां से कुछ खाने को मिल पाता? राम दुहाई को वो दिन याद आ गए जब 5 साल की उम्र में गिरधारी का पिता उसे अनाथ बेसहारा छोड़कर भगवान को प्यारा हो गया था। राम दुहाई की भी उम्र उस समय 30 से ऊपर ना थी, लेकिन बेटे गिरधारी का मुंह देखकर भगवान के सहारे कमर कस ली उसने, और जहां कहीं भी उसे झाड़ू पोछे बर्तन भांडी का काम मिला उसने बिना शर्म झिझक और मेहनत से किया। अपना पेट पालने के साथ साथ उसने गिरधारी को पढ़ा लिखा कर उसके पैरों पर खड़ा होने लायक भी बनाया। वो पढ़ लिख कर अच्छी नौकरी पा गया और सुंदर सुशील लड़की से शादी करके शहर में आ गया। कुछ दिन बाद वो माँ को भी अपने पास ले आया। 2 साल तक राम दुहाई ने बेटे बहू की लगन और अपनी पूरी सामर्थ्य से खूब सेवा की, बहू की खूब लाड़ चाव करके अपनी जिंदगी का सपना पूरा किया। 2 साल बाद लड़की होने पर राम दुहाई ने बहू के जापे में माँ जैसा प्यार दिया। बच्ची और बहू के स्वास्थ्य के लिए उसने दिन रात एक कर दिया। उसने 3 महीने तक बहू को पलंग से नीचे पैर नहीं रखने दिया, उसका शौच पाखाना तक बिस्तर पर समेटा। वह बहू के लिए पंजीरी हलवा बनाकर बहुत खुशी होती थी। बच्चे की मालिश करना नहलाना में उसे तृप्ति होती और बेटे को मनपसंद खाना खिलाकर अपार आत्मसंतुष्टि मिलती थी। वो दिन रात उनकी सेवा में लगी रहती थी। घर की साफ सफाई बर्तन मांजने कपड़े धोने में उसे पल भर का भी आराम नहीं मिल पाता था।
लेकिन अपने परिवार को फलता फूलता और खुश देखकर वह सब कुछ भूल जाती थी। उसे खुशी थी कि ईश्वर ने उसकी मेहनत का उसे भरपूर फल दिया था। 30 साल के उसके विधवा जीवन का संघर्ष उसके लिए खुशियों तथा आराम का समय लेकर आया था। गिरधारी और बहू उसे माँ कहकर कोई काम बताते तो वो झूम उठती और आधी रात को उठकर भी उनके लिए चाय कॉफी बनाकर देती। उसे गर्व होता कि उसके बेटा बहू ने उसे कितने प्यार और अपनत्व से बुलाया है। वो पोती के रोने पर उठकर दौड़ आती और उसे अपने बाहों में झुलाकर नींद थकावट सब भूल जाती। उसके हृदय में ममत्व तथा वात्सल का ज्वार आ जाता। बच्ची को अपनी छाती से लगाकर उसे संसार भर का सुख तथा ऐश्वर्य मिल जाता। इससे अधिक की उसने ईश्वर से कभी कामना भी ना की थी। लेकिन संसार में ऐसा कब हुआ कि हर किसी को प्यार के बदले प्यार ही मिला हो, नफरत नहीं। कम से कम उसके देखने में तो ऐसा नहीं हुआ। उसने सुना था कि रानी कैकेयी के अपने बेटे भरत को राजगद्दी दिलवाने के लिए राजा दशरथ से जरूर छल किया और राम को वनवास दिलवाया था, लेकिन उसने भी अपने बेटे से प्यार के वशीभूत किसी के बहकावे में आकर कपट किया था। लेकिन मेरी बहू को कौन से बेटे को राजगद्दी दिलवानी थी? मैंने तो गिरधारी को शादी होते ही उसके हवाले कर दिया था। अगर मेरे बेटे ने पगार लाकर मेरे हाथ में रख दी तो मैंने उसमें क्या खा लिया? उसी समय तो सारी रकम झोली पसार कर बहू के सुपुर्द कर दी थी। क्या माँ बाप का इतना भी हक नहीं कि बेटे की शादी के बाद उसकी कमाई को अपने माथे से लगाकर भगवान को उसकी कृपा के लिए धन्यवाद दे सके? लेकिन छिनाल ने ऐसा प्रपंच रचाया कि अगर कैकेयी भी देखती तो गस खा जाती। बैंक की सील बंद गड्डी में से 100 रुपए गायब हो जाना किसी जादू से कम ना था। लेकिन गिरधारी की अकल पर कैसे पत्थर पड़ गए वो तो सब जानता समझता था कि सील बंद गड्डी में से सिर्फ 100 रुपए कैसे गायब हो सकते हैं। उसने भी आंखें नीची करके बहू की बात को सच मान लिया और चुपचाप अपने दफ्तर चला गया। ऐसे सपूत से क्या उम्मीद करूं कि वो मुझे प्यार और श्रद्धा से अपने साथ लेकर आया होगा। जितने दिन मैं नौकरी की तरह उनकी सेवा करती रही उसने अपने साथ रखा, और जब उसका काम निकल गया तो मुझे बहाने से गांव में छोड़ गया। धिक्कार ऐसी जोरों के गुलाम पर, थू तेरी अफसरी पर नालायक कपूत। लेकिन बेटा ये दिन तेरी जिंदगी में भी जल्दी ही आने वाले हैं। जा, भगवान तेरा भला करे। तू दूधो नहाओ और पूतो पर, तेरे घर में भी तेरे जैसा ही श्रवण कुमार पैदा हो और तुझे पलकों की छांव में रखे। मैं अब तेरे पास नहीं आऊंगी और ना यहाँ किसी के सामने हाथ फैलाऊंगी। मरते मर जाऊंगी लेकिन हार नहीं मानूंगी। मैं तो तेरी इज्जत आबरू के लिए यहाँ पड़ी थी, लेकिन आज भी मुझमें इतनी हिम्मत और हौसला है कि मैं पूरे परिवार का पेट पाल सकती हूँ। जा बेटा, मैंने तुझे मार्गदीढ़ से मुक्त किया, अब मैं अपने ढंग से और सिर्फ अपने लिए जीऊंगी। क्या करूंगी, कहाँ जाऊंगी? गिरधारी तो आखिर तक माँ का सूरत ना देख पाएगा। उसकी आंखों से आंसू और गले से हिचकी निकल पड़ी। तो अपनी घरवाली के कहे में चलना और उसे खुश रखना माँ का क्या है? माँ तो जन्म देने और अपना दूध पिलाकर पालने पोसने तक ही काम आती है। घरवाली का तो जन्म जन्म का नाता और आखिरी सांस तक का साथ होता है। तू अपना गृहस्थ धर्म निभाना और फेरों के समय दिए वचनों का तन मन से पालन करना। आज के बाद इस अभागी माँ को कभी याद भी मत करना। भूल जाना कि माँ ने किन किन हालातों में तुझे पाल पोस कर साहब बनने लायक बनाया था। तू खूब तरक्की करके सबसे बड़ा अफसर बनना और अपने बीवी बच्चों को खूब खुश रखना। भगवान तुझे और तेरे परिवार को सुखी और सलामत रखे। सोचते सोचते उसकी आंखों से बहते आंसुओं ने सिसकियों का रूप ले लिया था। आज मिले 5 के नोट को उसने अपनी धोती के पल्लू में मजबूती से बांधा और एक झटके से उठकर कोने में रखे लकड़ी के बड़े संदूक के पास आ गई। लाला से पहली बार मिला 5 का नोट उसने एक छोटे से लाल कपड़े में बांधकर इस संदूक में पति के और खुद के कुछ नए पुराने कपड़ों के बीच छुपाकर रख दिया था। आंसू भरी आंखों तथा नाक से बहते स्राव को पोंछकर वह कपड़ों के बीच रखे नोट को ढूंढने लगी, लेकिन कपड़े का छोटा सा लाल टुकड़ा उसे संदूक में नहीं मिला।
तीन चार बार कपड़े उलट पुलट कर करने के बाद वो निराश सी सिर पकड़ कर बैठ गई। कुछ देर सोचने के बाद वो एक बार फिर आंखें पोंछ कर उठी और एक एक कपड़ा निकाल कर झड़काने लगी। छोटा सा लाल कपड़ा कुर्ती की जेब में घुस गया था। उसने धड़कते दिल से कपड़ा निकाल कर देखा तो उसमें नोट बंधा होने का आभास पाकर वो आश्वस्त हुई और कपड़ा खोलकर नोट निकाल लिया। उसने पल्लू में बंधा नोट और लाल कपड़ा खोलकर निकाला। नोट एक साथ सावधानी से पल्लू में बांध लिए। संदूक में सबसे नीचे उसे गोटे से चमकता लाल जोड़ा लहंगा चुनरी नजर आया जो उसकी शादी के समय माँ ने उसे दिया था। उसके मुंह से एक कराह निकली। उसने डबडबाई आंखों और कपकपाते हाथों से शादी का जोड़ा उठाया और अपने माथे से लगाकर बिलखने लगी। आंगन में बैठा झबरू और वीरान पड़े चूल्हे पर दीवार के सहारे झुका नीम का पेड़ भी सिसक उठे। जिस दिन से राम दुहाई माँ का घर छोड़कर पति के पीछे पीछे इस घर में आई थी उसी दिन से केवल दुख और तकलीफ के अलावा उससे उसके हिस्से में कुछ नहीं आया था। पति के साथ वो लोगों के खेतों में मजदूरी करती और उसके मरने के बाद लोगों के घरों में झाड़ू पोछा और बताए सभी काम। 14 साल की उम्र में भी उसे आराम नहीं था और आज 60 साल की उम्र में भी वो उतनी ही विवश और लाचार थी। कुछ संयत होने के बाद उसने संदूक में झांका तो कोने में उसे एक और लाल कपड़ा नजर आया। पति को अर्थी पर उतारने से पहले उसके जेठ ने पति के कानों में पहनी मुड़कियां और गले में पहना हनुमान जी का छाप दिखाता ताबीज निकाल कर दिया था। सुहाग के निशाने के रूप में माँ द्वारा दिया राम दुहाई के नाक का कोका और कानों की छोटी छोटी बालियों का जोड़ा भी साथ था जो उसने लाल कपड़े में बांध कर संदूक में रख दिया था। लेकिन खेतों में काम करते करते वह कब टूट गई पता ही नहीं चला। पति की कभी इतनी हैसियत नहीं हुई कि उन्हें जुड़वा देता। माँ बाप ने ये चार चीजें देकर उस समय शायद 100-125 रुपए कर्ज लिया हो किंतु गांव में खूब वाहवाही लूटी थी। किंतु पति की मौत के बाद शादी की चारों निशानी उसे निकाल कर रख दी थी। उसने कपड़े के थैले में शादी का जोड़ा और पति का कुर्ता धोती तह करके रखा और आंसू भरी आंखों से झोपड़ी के दरवाजे में ताला लगाकर आंगन में आ गई। झबरू उसके पैरों में लौटने लगा। शायद वो उसके आखिरी फैसले को जान गया था। राम दुहाई ने क्षण भर बड़े प्यार से उसे सहलाया और अपनी विवशता पर निश्वास छोड़कर गली में आ गई। अड़ोस पड़ोस के परिचित घरों को उपेक्षा से देखती हुई वो बस स्टैंड की ओर चल पड़ी। दोपहर ढलने लगी लेकिन हवा अभी भी बहुत गर्म थी। दूर दूर तक सन्नाटा पसरा था। जानवर पेड़ों के नीचे बैठे हाँफ रहे थे। कुछ शरारती बच्चे शहतूत और बेरी के पेड़ों पर पत्थर मारकर कच्चे पक्के फल तोड़ने का प्रयास कर रहे थे। उबलती लू गर्मी से बचने के लिए घरों में दुबके अपने अभिभावकों की मजबूरी का लाभ उठाकर वे चोरी छिपे यहाँ पेड़ों के साथ मारामारी कर रहे थे। राम दुहाई का संतप्त हृदय बाहर बहती लू की परवाह किए बिना यहाँ से भाग जाने का उद्यत हो रहा था पर वो तेज तेज कदमों से बस स्टैंड की ओर बढ़ा जा रही थी। उसका सिर धूप से उबलने लगा किंतु पांव रुकने का नाम न लेती थी। बस स्टैंड भी सुनसान पड़ा था। छत के नीचे बेंचों पर बैठे यात्री भी अपनी गर्दन से ऊपर का भाग कपड़े से छुपाए हुए थे। राम दुहाई खड़ी खड़ी इधर उधर देखती रही फिर छत के नीचे आकर चाय की दुकान के सामने रखे बेंच पर बैठ गई। 2 दिन से खाली पेट में गुड़ गुड़ हो रही थी। चाय की दुकान पर शीशे के पारदर्शी मर्तबान में बिस्कुट और लंबे लंबे फैन नजर आ रहे थे। राम दुहाई ने 1.5 महीने से चाय ना पी थी। दुकानदार ने उसे मर्तबानों पर नजर गड़ाए देखा तो उसके पास आकर बोला, माई चाय पियोगी क्या? वो तो चाय का स्वाद भी भूल गई थी। उसने सूखे गले से हाँ कहा और उसकी तरफ देखने लगी लेकिन वो हाँ शब्द को उसके बिना आवाज निकले उच्चारण से ही समझ गया। उसने भट्टी के पास रखी सिल्वर की केतली में से मिट्टी के कुल्हड़ में चाय भरकर पकड़ाई और उसे चाय देकर बोला, माई बिस्कुट दो या फैन? बिस्कुट कितने का है? उसने डरते डरते पूछा। 1 आने की चाय और 2 पैसे का बिस्कुट। कितने बिस्कुट दूं? फैन भी 2 पैसे का ही है, 2 बिस्कुट दे दो, उसने साहस भर कहा।
राम दुहाई ने चाय के साथ दो बिस्कुट खाए तो टिमटिमाते दीपक की बत्ती जैसे तेल नहीं प्राणों से आद्र हो गई थी। उसने साड़ी के पल्लू से खोलकर दो में से पांच का एक नोट उसे दिया और शेष मिले 4 रुपए 14 आने 5 के नोट के साथ पल्लू में कसकर बांध लिए। तभी एक बस आकर वहां रुकी तो यात्रियों में कुछ हलचल हुई। बस से उतरी सवारियों को देखकर एक दो रिक्शा वाले भी घंटी टनटनाते वहां आ पहुंचे। बस ड्राइवर बेंच पर बैठकर बीड़ी पीने लगा और कंडक्टर चिल्ला चिल्ला कर रूट के भिन्न भिन्न गांवों के नाम पुकारने लगा। राम दुहाई ने अपने गांव का नाम सुना तो वो भी आकर बस में बैठ गई। गिनती की ही सवारियां थी बस स्टैंड पर। धीरे धीरे सवारियां बस में बैठने लगी लेकिन कंडक्टर उतनी सवारियों से संतुष्ट ना था। वह जोर जोर से चिल्ला कर कह रहा था कि इसके बाद दूसरी बस नहीं है, अगर कोई मुसाफिर चूक गया तो उसे रात भर बस स्टैंड पर ही बैठना पड़ेगा। लेकिन वो चिल्लाता रहा, वहां कोई पीछे रहने वाला ही था ही नहीं। ड्राइवर ने बीड़ी का आखिरी कस खींचकर अपनी सीट संभाली और कंडक्टर यात्रियों की उम्मीद में बस के दरवाजे पर खड़ा गांव के नाम पुकारता रहा। काफी दूर जाने के बाद उसने टिकट काटना शुरू किया। राम दुहाई ने टिकट ली और अपना थैला गोद में रखकर उसके गांव की ओर जाने वाली ऊपर खाबड़ रास्ते को धुंधलाई आंखों से देखने लगी। 2-2.5 घंटे तक खेतों में बसे पुरवों धड़ियों तथा गांव की सवारियां उतरती बस एक पुरवे के पास जाकर रुक गई। कंडक्टर ने ऊंचे स्वर में घोषणा की कि बस के आगे का बल्ब टूटा हुआ है, अंधेरे में बस अब आगे नहीं जा सकती है, आखिरी गांव नजदीक ही है, सवारियां उतरकर अपने घर चली जाएं। बस में राम दुहाई के अतिरिक्त एक अधेड़ यात्री ही बचा था जो नीचे उतरकर एक दिशा में दूर टिमटिमाते प्रकाश की ओर बढ़ गया। राम दुहाई को भी मजबूरन उतरना पड़ा। खेत में खड़ी फसल और घास को रौंदती हुई बस जिस रास्ते से आई थी उसी पर वापिस चली गई। राम दुहाई 2 झोपड़े के पुरवे के पास खड़ी अपने गाँव का रास्ता पहचानने का प्रयत्न करने लगी लेकिन वर्षों बाद इस इलाके में आई राम दुहाई को दिशा भ्रम हो गया था। जिन खेतों में उसका बचपन बीता था आज वही उसकी पहचान में नहीं आ रहे थे। वो अंधेरे में अंदाजा लगाती कुछ आगे बढ़ी तो एक औरत झोपड़े से निकलकर उसकी तरफ आई। वह उसे देखकर खड़ी रह गई। कुछ देर बाद उसने उत्साहित स्वर में कहा, तुम आ गई माँ, मैं अष्टमी की कढ़ाई करके भोर के तड़के से तेरी बाट जो रही थी। पड़ोस की दोनों कन्या उल्टी दस्त से बावली हुई पड़ी से उनने भी भोग ना लगाया, पर माँ मेरा बरत खुलवाड़े तू खुद चलकर आ गई, मेरा तो भाग खुल गया। आ माँ भीतर आ, मेरा मरद भी भूखा बैठा से, आ जा माँ। वो राम दुहाई को झोपड़ी में ले आई। उसका घर वाला उसे देखते ही उठा और उसके पैरों में लौट गया। माता के उपासक पति पत्नी की उम्र मुश्किल से 30-40 साल रही होगी लेकिन भूख और बेकारी में राम दुहाई से भी बूढ़े जान पड़ रहे थे। वह कंकाल स्वरूप मजदूर राम दुहाई को साक्षात देवी मानकर उसकी पूजा अर्चना कर रहे थे। उन्होंने उसे जंगली घास के आसन पर बैठाकर पहले चरण पखारे और फिर चूल्हे की आड़ में टिमटिमाता दिया सिल्वर की थाली में रखकर उसकी आरती उतारी और लाल मिट्टी से तिलक किया। उसके बाद उसे उबले काले चने और गेहूँ की लपसी का भोग लगाया। राम दुहाई ने 2 दिन में केवल बस स्टैंड पर एक कप चाय के साथ 2 बिस्कुट खाए थे। वो लोने चने और लपसी भर पेट खाकर तृप्त हो गई। उसकी भूख से छटपटाती आत्मा ने गदगद होकर उन्हें ढेरों आशीर्वाद दिए। पति पत्नी ने माता के चरण स्पर्श कर अपना उपवास खोला और वहीं झोपड़े में घास के आसन पर अपनी धोती बिछाकर माता को सुला दिया और भोजन के पश्चात वे भी वहीं एक कोने में जमीन पर लेट गए। नींद और थकावट ने भर पेट भोजन मिलने के कारण राम दुहाई की आंखों को बोझिल बना दिया था। लेटते ही वो गहरी नींद में सो गई। सुबह सवेरे आंख खुलने पर उसे लगा कि वो जिंदगी में पहली बार सोई है। ऐसा सुख तथा शांति उसे कभी नसीब ही नहीं हुई थी। वो अपने शरणदाताओं के निस्वार्थ प्रेम श्रद्धा भाव और आतिथ्य से उनके प्रति नतमस्तक हुई जा रही थी। 60 साल के अपने संघर्षपूर्ण जीवन में उसे आज से पहले इतने उत्साह तथा खुशी का अनुभव कभी नहीं हुआ था। आज उसे समस्त संसार हंसता हुआ सा प्रतीत हो रहा था। सुबह सुबह उठकर उसने बताया कि वो उनके पड़ोस के गांव की बेटी है और जिंदगी से हार थक कर फिर अपनी जन्मभूमि लौटी है।
यदि बस उसे उसके गांव में ही पहुंचा देती तो शायद वो उनके घर का अन्न जल ग्रहण न कर पाती। ये माता का चमत्कार है कि आपकी आस्था और अटूट विश्वास से खुश होकर माता ने मुझे यहाँ शरण देने और तुम्हारी सच्ची भक्ति से अपने रूप में मेरी भूख आत्मा की सेवा करने का मौका दिया। माता की माया अपरंपार है, वो अपने भक्तों का इसी तरह उद्धार करती है। सेरा वाली माता तेरी सदा ही जय। रामदुहाई ने भोजन तथा आश्रय देने के लिए उनका आभार व्यक्त किया और अपने गांव की ओर चल पड़ी। अपना घर देख गांव देखने की उमंग में उसके पैर अपने आप उठ रहे थे। गांव ज्यादा दूर ना था, वो कल्पनाओं में डूबी कुछ देर में ही अपने घर पहुंच गई। उसके माता पिता का देहांत हो चुका था, सगा कोई भाई ना था, इसलिए उसका पीहर बहुत पहले ही छूट गया था। उसे अपने घर गृहस्थी से कभी समय ना मिलता था। गिरधारी के पिता के साथ शुरू शुरू में वो एक दो बार माता पिता से मिलने आई थी, लेकिन पति की मृत्यु के बाद बेटे की परवरिश में उसका सबसे नाता टूट गया था। केवल वह, उसका बेटा और काम ही उसके जीवन का लक्ष्य रह गया था। वर्षों पश्चात उसने अपने बचपन के घर आंगन को देखा तो उसकी आंखें भर आई। पल भर में ही उसने बचपन की यादें उसके सामने घूम गई। घर का फूस उड़ गया था और ओसारे को फटी पुरानी बोरियों की टाट डालकर पशु बांधने लायक बनाया हुआ था। एक तरफ मिट्टी की कच्ची दीवार तथा दूसरी ओर फूस की टाटी बंधी थी। अरे राम दुहाई जीजी, तू अचानक कहाँ से उतर आई? सामने के आंगन में बुहारी निकालती महिला ने चौंकते हुए लगभग चिल्ला कर कहा और बुहारी हाथ में पकड़े उसके पास आ गई। चांदबाई कैसी है जीजी तू? राम दुहाई ने उसकी तरफ बढ़ते हुए पूछा। मैं तो जैसी हूँ तेरे सामने हूँ, लेकिन तू बिना चिट्ठी पत्री के अचानक किसके साथ आ गई? साथ कौन किसका करता है जीजी, तेरी याद आई तो थैला उठाकर चल दी, अब मैं भी तेरे साथ ही रहूंगी। क्यों, गिरधारी ने घर से निकाल दिया? नहीं चांद बीबी, मुझे गिरधारी क्यों निकालेगा, वो तो बहुत गिड़गिड़ाया, लेकिन बड़े बड़े शहरों में मेरा जी नहीं लगता। तुम सब मेरे साथ ही की हो इसीलिए, और गांव में मोटर गाड़ियों का हो हल्ला भी नहीं है, तो भी तो किशोरी के साथ बड़े शहर में रही ना। किशोरी भी बहुत बड़ा अफसर है, फिर तू क्यों शहर छोड़कर गांव में आ गई? मत पूछ जीजी, बेटा बड़ा अफसर अपनी बीवी बच्चों और अपने बड़े बंगले के लिए ही है। माँ के वास्ते उसके बड़े घर में एक खाट की जगह और दो वक्त की रोटी भी बहुत भारी है। मैं तो जीजी सबको ठोकर मारकर गांव में आ गई। अपनी हिम्मत से जो बन पड़ता है उतना चमेली के साथ कर लेती हूँ और दोनों वक्त रूखी सूखी ही सही भर पेट खाकर चैन से सो जाती हूँ। चमेली भी तेरे साथ रहती है और उसके बाल बच्चे भी साथ में? राम दुहाई ने पूछा। क्या बताऊं जीजी, मर्द सारे एक जैसे ही है। एक रात वो चमेली और उसके तीनों बच्चों को सोता छोड़कर कहीं चला गया। कई दिनों तक बेचारी ने खूब ढूंढा, फिर सबको लेकर मेरे पास आ गई। भगवान की दया से उसके दोनों लड़के कमाने लगे और लड़की घर का काम काज संभाल लेती है। वो कड़वाहट से भरकर हाँफने लगी थी, इसीलिए वहीं बैठ गई। राम दुहाई के पास कहने सुनने को कुछ ना बचा था। वह अपने टूटे छप्पर में आकर उसे फिर खड़ा करने के बारे में सोचने लगी। उसने चमेली को बुलाया और घर में जमा कूड़ा करकट एक और इकट्ठा करके बाहर ढेर कर दिया। फिर छत के फूस को समेटकर ढंग से बिछाया, लेकिन फूस की कमी के कारण वो छितराया छितराया सा लग रहा था। उसने लड़की से मदद से दरवाजे की उसको चूल पर खड़ा किया। साकल कहीं मिल नहीं रही थी। उसने दोनों पल्ले मिलाकर दरवाजा बंद किया और चांदबाई के पास आकर बैठ गई। उसने बातों बातों में ही सब जान लिया कि कहां क्या मिल सकता है। चमेली ने रात की बची बाजरे की खिचड़ी में छाछ मिलाकर उसे दी। पेट में कुछ वजन होते ही वो अपने घर में आई और थैला फूस के नीचे दबाकर गांव में निकल गई। गांव में दूसरी बिरादरी के कई चाचा ताऊ भाई बहन और भतीजे भतीजियां उसे मिली। दोपहर तक वो पूरे गांव में घूमती रही, जिससे उसे घर को फिर से घर बनाने के लिए काम करने वाले कई लोग मिल गए। वो गांव के एकमात्र सुनार से भी मिली और उसे लाल कपड़े में मजबूती से बंधे अपने जेवर दिखाए। पुराना सोना देखकर अनुभवी सुनार की आंखें चमक उठी। उसने कहा, जीजी राम दुहाई, अगर ज्यादा अड़ी नहीं है तो ये सोना संभाल कर रख ले, फिर ऐसा सोना दोबारा नहीं मिलेगा।
कहे तो गहने गिरवी रखकर तुझे 1,500 रुपए उधार दे देता। नहीं भाई, आप किस दिन के लिए इसे संभाल कर रखूंगी, सब काम तो निपट गए। तुम इसे खरीद कर आज का दाम मुझे दे दो, मेरे बहुत से काम पूरे हो जाएंगे। तेरी मर्जी जीजी, मैं तो तेरे भले की बात कह रहा था, तेरा खरा सोना भी बच जाता और महीने दो महीने में तू रुपए उतार कर जेवर छुड़ा लेती। खैर, 50 साल पहले बापू ने ये सोना काका को 200 रुपए तोला दिया होगा, लेकिन आज खरे सोने का भाव 8,000 रुपए तोला है। बिना खोटा काटे कुल तोल आधा तोला होता है, मैं 4,000 रुपए देता हूँ। तू अपनी बड़ी बहन से बेईमानी थोड़े ही ना करेगा भाई, जो बनता है दे दे, तुम भाइयों के भरोसे ही तो गांव में आई हूँ, राम दुहाई ने कहा और रकम लेकर अपने घर आ गई। हिम्मत और हौसले से चींटी पहाड़ पर चढ़ जाती है। मैं तो अच्छी भली इंसान हूँ, मैं काम शुरू तो करूँ, कुछ कर पाई तो ठीक, नहीं तो जैसा है उसी में काम चलाऊंगी। पहले कौन सी राजगद्दी छोड़कर आई हूँ, सोच समझ कर किफायत से काम करूंगी तो जरूर पार निकल जाऊंगी। जिंदगी भर भूखे पेट हाड़ पेरती रही, अब खाने की तो फिक्र नहीं है, जिंदगी भर कभी रूखी सूखी मिल गई तो खा ली, नहीं पानी पीकर ही सो गई। अब भी काम करूंगी तो अपने पेट लायक तो कर ही लूंगी। अब तो 2 पैसे ही भी हाथ में हैं, मैं इतनी जल्दी तो मरूंगी भी नहीं, हिम्मत क्यों हारूं, भगवान ने हाथ पैर दिए हैं तो मैं मेहनत से कमा कर खाऊंगी। 1 सप्ताह में ही राम दुहाई ने माता पिता के खंडहर हो गए घर को फिर नया बना लिया। छप्पर पर नई छान डलवाई, दरवाजे की सांकल कुंडी दुरुस्त करवाई और दीवारों की लिपाई पुताई करवा कर नया बना दिया। कोने में पड़ी माँ की चक्की में कीला मियानी डलवाई और ओसारे की ईंट की दीवार खड़ी करवा कर पशु बांधने लायक बना लिया। उसने पड़ोस के गांव से 600 रुपए में एक दुधारू भैंस खरीदी, जिसके साथ उसकी पाड़ी भी थी। राम दुहाई उस गांव की बेटी थी और सभी से भाई भतीजे का नाता था। वो किसी के भी खेत में चली जाती और घास खोद कर ले आती और अपने दोनों जानवरों की तन मन से सेवा करती। 2 वक्त का 12 सेर दूध गांव वालों को बेचती और खुद भी दिन भर का उबला दूध पीकर तृप्त हो जाती। 3-4 दिनों के जमावत का वो घी निकालती और जरूरतमंदों को छाछ मुफ्त बांटती। राम दुहाई के हाथ में पैसा था, एक दुधारू भैंस थी और सबसे बढ़कर था उसका हौसला, उसकी कड़ी मेहनत। साल भर में ही उसकी मेहनत का असर गांव भर के लोगों को दिखने लगा था। उसमें घमंड नहीं था, लेकिन वो किसी से बिना वजह कोई बात भी नहीं करती थी। वह दिन भर अपने पशुओं की सेवा में लगी रहती, वह उनके लिए घास खोद कर लाती, उन्हें रगड़ रगड़ नहलाती और उनसे बातें करती। कभी कभी गांव में उसकी उम्र के भाई भतीजे उसके पास आकर बैठ जाते, वह अपनी विभिन्न समस्याओं पर उससे बातें करते और तत्काल हिल मिल जाने पर खुश हो जाते। साल भर में ही राम दुहाई का नाम गांव में आदर सम्मान से लिया जाने लगा, वो गांव के प्रभावी तथा समझदार लोगों में गिनी जाने लगी। बहुत से लोगों का विचार था कि मेहनती और अनुभवी राम दुहाई को गांव का सरपंच चुन लिया जाए तो सबका बहुत भला होगा। राम दुहाई ने अपनी कुछ व्यक्तिगत मजबूरियां बताई, लेकिन लोगों ने फिर भी उसे सर्व संपत्ति से गांव के सरपंच चुन लिया। सबने उसकी बात मानने और उसे हर संभव सहयोग करने का आश्वासन भी दिया, तो वह भी सहमत हो गई। अपनी भैंस और उसकी पाड़ी की देखभाल के अलावा उसके पास काम भी क्या था, सबसे बातें करके उनके दुख दर्द में भागीदार बनकर उसे बहुत संतोष था, खुशी का अनुभव होता था। गोदली बेला का समय था, सानी पानी से भैंस को तृप्त कर राम दुहाई ने दूध दुहने से पहले उसकी पाड़ी को पोसाने के लिए छोड़ दिया था, ताकि माँ बेटी एक दूसरे को चूम चाट कर दुलार कर सके। अपने बच्चे को दूध पिलाकर माँ को जिस अपार आनंद तथा संतोष का अनुभव होता होगा, ये माँ ही बता सकती है। पिता कभी उस परम सुख का स्वाद चख ही नहीं सकता है। वह दूध की बाल्टी अंदर रख कर पाड़ी को खींच कर उसके खूंटे पर बांधने लगी, लेकिन दूध पीकर जवान होती पाड़ी उसके काबू नहीं आ रही थी। तभी एक 30 साल का व्यक्ति आया और वृद्धा को पाड़ी के साथ जूझती देखकर सहायता के लिए आगे बढ़ा। उसने जोर लगाकर पाड़ी की रस्सी खूंटे से बांध दी। राम दुहाई ने हाँपते हुए उसे आशीर्वाद दिया और पास पड़ी चारपाई पर बैठकर व्यक्ति को पहचानने का प्रयास करने लगी। राम राम नानी, मैं तुम्हारे बचपन की सहेली इमरती का बेटा लालचंद। उसने झुककर उसके पांव छुए। भगवान तुझे लंबी उम्र दे बेटा,
मैं तुझे पहचानी नहीं, उसने उसे देखते हुए कहा। तुम मुझे देखती कैसे? तुम्हारी शादी के 30 साल में पैदा हुआ था। मैंने तुम्हें आज की पहली बार देखा है। मामा गिरधारी जिस जीप में तुम्हें गांव छोड़ने गया था, वो ड्राइवर भी उसी दफ्तर में है जहां मैं हूँ। उसी ने बताया कि बड़े साहब गिरधारी की माँ मेरे गांव की है। मैं आज आया तो मेरी माँ ने बताया कि गिरधारी की माँ मेरी माँ की बचपन की सहेली, तुम आई हो। मैं तो खुश हो गया कि मेरी साहब की माँ आई है, तो मैं तुमसे मिलने आ गया, उसने खुलासा किया। अच्छा किया बेटा, तो गिरधारी के दफ्तर में काम करता है? कैसा है मेरा गिरधारी? साहब और उनके बाल बच्चे सब मजे में हैं। साहब के दूसरे बेटे का जन्मदिन था, इसलिए पूरे स्टाफ में मिठाई बांटी थी। नेम साहब और बच्चे सब साथ थे। नानी कहाँ से ढूंढ कर लाई इतनी सुथरी बहू? तुम मिला था तेरी मामी से? ना, मैं दफ्तर का मामूली चपरासी, उनके पास कैसे जाता। दूर से ही देखा, उनके बच्चे भी फूल जैसे हैं, कोमल और मुलायम, शायद हाथ लगने से मैले हो जाएंगे। देखकर ही मन खुश हो गया मेरा तो। बहुत ही दयालु हैं दोनों वीर मर्द। बुजुर्गों की पेंशन करने वाले मेरा साहब ही उनके नज़दीक था। मेम साहब के कहने पर उनके माता पिता की मेरे साहब ने पेंशन चालू कर दी। सब तकदीर की बात है बेटा, मैं भी उसे देखकर बहुत खुश हुई थी, उसने ठंडी आह भरी। नानी तू कहे तो मेरे अफसर से कहकर तेरी पेंशन भी चालू करवा दूं। सरकार बुजुर्गों को महीने के 100 रुपए देती है, इस महीने से मेरी माँ को भी पेंशन चालू करने का वादा किया है मेरे साहब ने। ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा, अगर तेरे हाथ में है तो जरूर करवा दे। गांव के बूढ़े बडेरों का भला हो जाएगा, सब तुझे आशीष देंगे। नानी मेरे हाथ में तो कुछ नहीं है, करने वाले तो साहब ही हैं, लेकिन मैं उनसे कहूँगा तो जरूर मान जाएंगे, और मुझे उम्मीद है वो मुझे निराश नहीं करेंगे। उनका तो काम ही है बुजुर्गों को पेंशन करना है। बहुत भला काम है बेटा, तू तेरे साहब को गांव में बुलाएगा तो मैं भी उनके दर्शन कर लूँगी। बेटा तेरे अफसर को जरूर बुलाना। जिंदगी ने राम दुहाई को इतना तपाया था कि उसे बदरंग गंवार मजबूरन से शुद्ध तथा अनमोल कंचन बना दिया था। वो धैर्य त्याग और संयम की मूर्ति बन गई थी। भूख लाचारी और छटपटाहट ने उसे संतोषी निर्लिप तथा सहनशील बना दिया था। गांव से दूर पूर्व में मिले देवी के आस्थावान उपासक पति पत्नी ने उसके संतप्त हृदय को निस्वार्थ त्यागी तथा सर्वहितैषी बना दिया था। लालचंद के बताए पेंशन के नुस्खे में उसे सबकी भलाई का एक मार्ग दिखाई दिया। गांव वालों ने उसे गांव का प्रधान चुना था। उसने 2 भले युवकों को साथ लेकर गांव में बदलाव का बीड़ा उठाया। 2 महीने बाद गांव के अधिकांश बुजुर्गों को सरकार की तरफ से 100 रुपए महीना पेंशन मिलने लगी। राम दुहाई ने उसे सलाह दी कि सब 1 रुपया बचाकर पंचायत के पास जमा करें, जो अड़ी भीड़ में उनके काम आएंगे। रात के अंधेरे में उसे आश्रय तथा भोजन देने वाले पड़ोसी पूर्वे के सब मजदूर पति पत्नी को भी उसने साहब के सामने पेश करके उनकी पेंशन शुरू करवा दी। राम दुहाई ने उन्हें भी 1 पाड़ी दिलवाई और मेहनत से उसे पालने की सलाह दी। पंचायत की तरफ से उनके पूर्वे के पास सुनसान जंगल में कुआं बनवाकर मुसाफिरों के लिए गर्मी में पानी की व्यवस्था करवा दी। उसने नीम के नीचे लगने वाली पंचायत के लिए भी 3 कमरे का बड़ा पंचायत घर बनवाया, जो बच्चों के स्कूल तथा गांव में होने वाले ब्याह शादी में काम आने से उसने वाहवाही लूटी। शादी के मौके पर किसी ने जरूरत पड़ने पर उससे दूध मांगा तो उसने जरूरत के अनुसार 1 समय का पूरा दूध भी दे दिया। गांव में किसी की शादी होती तो वो खुद आशीर्वाद देने पहुंचती और शगुन के साथ नगद रुपये देकर मदद करती। वो गाँव भर की अभिभावक बन गई थी। किसी को कोई भी परेशानी होती या किसी को कोई जरूरत होती तो वो उसके पास दौड़े आते और वह उनकी यथासंभव सहायता भी करती। 2 साल में गांव की दूर दूर तक चर्चा होने लगी। माँ की लाडली रामदेई 60 साल तक जिंदगी से जूझती राम दुहाई बनकर आज आस पड़ोस के गांव की पूज्य रमा देवी बन गई थी। बाजरे की खिचड़ी में दिन भर का उबला दूध मिलाकर राम दुहाई ने भरपेट भोजन किया और तृप्ति की लंबी डकार लेकर अपनी भैंस के पास आ गई। उसने बहुत ही स्नेह तथा प्यार से उसका मुंह सहलाया और उसे गले लगाकर बैठ गई। वह कुछ देर मन ही मन में सोचती रही और फिर सीधी बैठकर बोली, सीलो जिंदगी,
क्या क्या रंग दिखाती है। कभी हंसाती है तो कभी रुलाती है, कभी भूख से छटपटा कर आदमी बेदम हो जाता है और कभी घी दूध से गदरा कर कुलाचे भरने लगता है। मुझे कैसे कैसे दिन दिखाए और आज तेरे सहयोग और साथ से मैं महारानी बनी बैठी हूँ। सीलो, मुझे तो एक ही बात समझ आई है कि इंसान को ना तो कभी हार माननी चाहिए और ना ही कभी घमंड में बावला होना चाहिए। जैसा समय हो उसे सिर झुकाकर मान लेना चाहिए। सब भगवान के बालक हैं, उसे सबकी चिंता है। वो अनाम अरूप अविनाशी सब देखता है, वही करने वाला है और वही सब करवाता है। इंसान तो कठपुतली है, जब जैसे उसकी मौज होती है वो वैसे ही उसे नचाता है और इंसान उसके इशारे पर नाचता है। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए हमें सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।